सलेम के छोटे से गांव में एक दिन कुछ बहुत बुरा हुआ। आपने शायद सलेम विच ट्रायल्स के बारे में सुना होगा, वो इन्फेमस घटनाएं जहां पड़ोसी एक दूसरे पर जादू टोना करने का आरोप लगाते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे हालात में फंसना कैसा होता? क्या करेंगे अगर अचानक आप पर जादूगरनी होने का आरोप लग जाए? क्या आप अपनी जान बचाने के लिए, भले ही आप निर्दोष हो, स्वीकार कर लेंगे? सलेम विच ट्रायल्स तब शुरू हुए जब सलेम गांव की कुछ लड़कियों ने दावा किया कि वे शैतान से प्रभावित हैं। वे अजीब तरह से बर्ताव करने लगी, कांपने लगी और मचलने लगी। जल्दी ही उन्होंने गांव के लोगों पर जादू टोना करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। नाम गिनाए गए और अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गई। सोचिए, एक ऐसी जगह पर जहां हर कोई हर किसी को जानता हो और अचानक आप नहीं जानते कि किस पर भरोसा करें। जिन पर आरोप लगे वे ज्यादातर महिलाएं थीं, लेकिन पुरुष भी नहीं बचे। आप एक साधारण किसान, एक सम्मानित मंत्री या एक दाई हो सकते थे, और फिर भी आप पर शैतान के साथ मिलने का आरोप लग सकता था। उन्हें सबूत की जरूरत नहीं थी, बस एक अफवाह या संदेह ही आपको अदालत में ले जाने के लिए काफी था। और एक बार जब आप पर आरोप लग गया तो अपनी निर्दोषता साबित करना लगभग नामुमकिन था। जितना आप इनकार करते उतना ही लोग आपको दोषी मानते। सोचिए, अगर आप वहां खड़े होकर देख रहे होते कि आपके दोस्त और परिवार को खींच कर ले जाया जा रहा है, तो आप क्या करते? क्या आप पागलपन के खिलाफ आवाज उठाते या चुप रहते, डरते हुए कि आप अगले हो सकते हैं? जो लोग जादू टोना स्वीकार कर लेते थे उन्हें अक्सर फांसी से बचा लिया जाता था, लेकिन उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। वे हमेशा के लिए कलंकित हो जाते थे, अविश्वसनीय मान लिए जाते थे। जो लोग अपनी निर्दोषता पर अड़े रहते थे और किसी अपराध को मानने से इनकार करते थे उन्हें फांसी दे दी जाती थी। सलेम गांव डर से घिरा हुआ था और उस डर ने 9 निर्दोष लोगों की जान ले ली। और इसके लिए एक समुदाय की जरूरत को पूरा करने के लिए जो किसी को अपनी समस्याओं का दोषी मानना चाहता था, अब पीछे मुड़कर देखना मुश्किल है कि ऐसा कुछ कैसे हो सकता है। लेकिन उस समय, उस जगह पर यह सब बहुत वास्तविक था। डर, आरोप, ट्रायल्स, ये सब कुछ खा गया। लोग जिनके साथ आपने पूरी जिंदगी बिताई वे एक पल में आपके खिलाफ हो सकते थे। पागलपन और विश्वास से प्रेरित होकर कि वे भगवान का काम कर रहे हैं। अब जो लोग पीछे रह गए उनका क्या हुआ? जब ट्रायल्स खत्म हुए और पागलपन कम हुआ तो सलेम का क्या हुआ? समुदाय बुरी तरह टूट गया, रिश्ते मरम्मत के लिए टूट गए। बचे हुए लोगों को ये जान था कि उन्होंने अपने पड़ोसियों को मौत के घाट उतारने का दोषी ठहराया, या और भी बुरा, चुप रहकर देखा जबकि दूसरों ने ऐसा किया। ये एक ऐसा घाव था जो कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। इसलिए सलेम विच ट्रायल्स की कहानी एक याद दिलाने वाली बात है, इतिहास का एक अंधेरा अध्याय जो दिखाता है कि जब डर हावी हो जाता है, जब तर्क को नजरअंदाज किया जाता है और जब हम किसी को दोषी ठहराने की जरूरत से भस्म हो जाते हैं, तो क्या हो सकता है? सोचिए, अगर आज ऐसा कुछ हो तो हम कैसे प्रतिक्रिया करेंगे? धरती घूमती रहती है, पंछी चहचहाते रहते हैं, लेकिन अंत में सबका अंत होता है।